हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि AICS की तरफ से जो वैकेंसी आई थी असिस्टेंट सिक्योरिटी और सिक्योरिटी स्क्रीनर का, उसका फुल सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड को लेकर बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूज़न आ रहा था। आई एम सॉरी, मैं हर किसी का इंडिविजुअल एक एक रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों ने फॉर्म फिल किए, फॉर्म फिल करते समय आप लोगों ने रजिस्टर जो मेल किया था, जो मेल रजिस्टर किया था, आपकी सारी डिटेल्स, सारा आगे का प्रोसेस जो भी टेक प्लेस करेगा, वो सारी डिटेल्स आपकी उसी में आएंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने यहाँ पर असिस्टेंट सिक्योरिटी या सिक्योरिटी स्क्रीनर के लिए अप्लाई किया था, आपने चाहे किसी भी स्टेशन के लिए अप्लाई किया, तो आपकी पोस्टिंग उसी स्टेशन में होगी जिस स्टेशन में आपने अप्लाई किया था। फिर यहाँ पर आप लोगों का सबसे पहले तो आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया। अब यहाँ पर मेरिट लिस्ट आप समझ लो, या फिर ये समझ लो कि उस जो परसेंटेज क्राइटेरिया उन लोगों ने बनाया है 75% अबव, 80% अबव OBC जनरल SC ST कैटेगरी का, उसी के हिसाब से यहाँ पर इंटरव्यू लिस्ट आती है। जो कि लिस्ट आती है मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे या फिर यूट्यूब में वीडियो के माध्यम से। फिर यहाँ पर आपका वो इंटरव्यू लिस्ट आता है, उसमें जिन एस्पिरेंट्स का लिस्ट में नाम होता है उनका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है वेबएक्स ऐप पे, जो कि ऑनलाइन हो रहा है। तो ये इंटरव्यू ऑनलाइन ही कंडक्ट कराया जा रहा है। फिर इसके बाद आप लोग इंटरव्यू दे देते हो। इंटरव्यू में सिर्फ 2-3 मिनट ही लगते हैं और सिर्फ आपसे बेसिक आपकी पर्सनल डिटेल्स से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बाकी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख सकते हो कि कौन कौन से कैसे कैसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2-3 मिनट में ही आपका इंटरव्यू हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका इंटरव्यू होने के 10 से 15 दिन बाद आपका उसका रिजल्ट आता है, और फिर जो बच्चे इंटरव्यू पास करते हैं फिर उनका उसमें नाम होता है। जो बच्चे फाइनल सेलेक्ट होते हैं, जो सेकंड लिस्ट आती है जिसमें इंटरव्यू होने के बाद जिन बच्चों का नाम आता है, उनके मेल पर ही फिर आगे एक ऑफ़र लेटर आता है जो कि आपको फिल करना होता है। मतलब ऑफ़र लेटर का मतलब आप एक्सेप्टेंस लेटर, वो 14 पेजेस का होता है, उसको आपको फिल करना होता है। और उस एक्सेप्टेंस लेटर में एक स्टैम्प भी होता है जो कि आपको अपने तहसील से बनवाना होता है, उसको आपको अपने हैंड से बनवाना होगा। और वो स्टैम्प पेपर जो होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी टर्म एंड कंडीशंस वाली चीज़ें नहीं होंगी, सिर्फ ये होगा जो कि बॉन्ड को लेकर आया है कि क्या हमें 1.5 लाख रुपये देने होंगे। जी हाँ, 1,50,000 रुपये एज अ फाइन देना होगा अगर आप बीच में जॉब छोड़ते हो। अगर आप पूरी 3 साल की जॉब करते हो तो आपको यहाँ पर कोई भी फाइन नहीं देना होगा। जो एक्सेप्टेंस लेटर आया है उसमें सारे टर्म एंड कंडीशंस दी हैं आपको, उसमें सिर्फ कुछ ही पेजेस फिल करने हैं। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, आपको फिजिकली फिट होना चाहिए, मतलब आपको अपना मेडिकल भी करवाना होगा। मतलब जब आप मेडिकल कराओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपका आई साइट विजन अच्छा होना चाहिए, मतलब हेल्दी फिट एंड फाइन होने चाहिए। यहाँ पर एक्सेप्टेंस लेटर जो आएगा ना, आपको उसको फिल करना होगा। बहुत अच्छे से केयरफुली पढ़ लीजिएगा एक्सेप्टेंस लेटर में क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस है, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ से देख सकते हो। बाकी स्टैम्प पेपर सिर्फ इसीलिए आपको बनवाना होगा कि अगर आप 3 साल से पहले खुद से जॉब छोड़ोगे तो आपको वो पैसे वहाँ पर एज अ बॉन्ड देना होगा, अदरवाइज आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी जो 25,000 से स्टार्टिंग सैलरी हर महीने 5,000 और हर साल फिर आपकी 500 रुपये हर महीने की बढ़ेगी भी। तो ये सारी डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर सैलरी का देख सकते हो, जॉब प्रोफाइल देख सकते हो। यहाँ पर आप ये मान लो 8 से 9 घंटे की ही मिनिमम जॉब आपकी होगी, बाकी यहाँ पर आपको लीव भी मिलती है, कितनी लीव मिलती है, कैसे क्या क्या चीज़ें, ये सारी आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन यही बोलूँगी एक्सेप्टेंस लेटर भी आपको फिल करना होगा, आपके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट, अगर आपने सिक्योरिटी स्क्रीनर का अप्लाई कर रखा है तो ग्रेजुएशन, बाकी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब हर अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो तो आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा रहे हो, मतलब जो भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके आपको हार्ड कॉपी जो होती है ना वो रख लेनी है, हार्ड कॉपी आपको सबमिट करनी होगी। बाकी का जो भी प्रोसेस टेक प्लेस करा रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन उनकी तरफ से आएगी वो सारी आपके रजिस्टर मेल पर ही आएगी। बहुत सारे बच्चे जो है जिनका भी बचे हुए स्टेशन का इंटरव्यू होने वाला है, तो बहुत जल्द है कि मई जून तक ये पूरी वैकेंसी फाइनल हो जाएगी। कुछ स्टेशन है जिनका इंटरव्यू अभी हो चुका था लेकिन फिर भी उनके रिजल्ट नहीं आए हैं, तो हो सकता है कि वो अभी रिजल्ट दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेशन का हो रहा है कि रिजल्ट मतलब उनका इंटरव्यू होने के 10 से 15 दिन बाद ही आ रहा है, लेकिन कुछ स्टेशन का भी 1-2 महीने भी हो रहे हैं और उनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया था। तो अगर जैसे ही आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी, लेकिन यहाँ पर आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू बहुत लाइव। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए थे, पूरा सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गए और वो ज्वाइन भी कर चुके हैं। यहाँ पर आप लोग मतलब एज अ फ्रेशर अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके लिए बेटर है, बट अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो अकॉर्डिंग टू मी आप जहाँ और कहीं भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप
जा सकते हो, बट यहाँ पर ये एज अ फ्रेशर के लिए बहुत अच्छी है स्टार्टअप करने के लिए, क्योंकि ये 3 साल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, आपको 3 साल तक जॉब करना होगा, उसके आगे आप वहाँ पे जॉब करते रहोगे, ये आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, बाकी AICLS अथॉरिटी पे डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 3 साल तक जॉब करनी होगी। अगर आप 3 साल से पहले छोड़ोगे तो आपको कोई ना कोई फाइन जो बॉन्ड में लिखा गया वो फेल वो आपको पे करना पड़ेगा, जो कि अभी अमाउंट आपको मैंने पहले ही बताया इसी वीडियो में। तो आप लोग यहाँ से देख लो कि आपको कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है, आपको सारी डिटेल्स मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। बाकी जो भी एस्पिरेंट्स मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, आपको एयरपोर्ट जॉब या AICLS की तरफ से जो भी वैकेंसी आती है या AI जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर, ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। बाकी और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की डिटेल्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, जैसे कि मैंने भी खुद भी बहुत सारे एग्जाम्स दिए और बहुत सारे क्वालिफाई भी किए हैं। तो अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी या कोई भी अपडेट चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, मैं कोशिश करती हूँ कि आप सभी को यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं और इसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए थे, पूरा सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई और वो ज्वाइन भी कर चुके हैं। यहाँ पर आप लोग मतलब एज अ फ्रेशर अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके लिए बेटर है, बट अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो अकॉर्डिंग टू मी आप जहाँ और कहीं भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप जा सकते हो, बट यहाँ पर ये एज अ फ्रेशर के लिए बहुत अच्छी है स्टार्टअप करने के लिए, क्योंकि ये 3 साल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, आपको 3 साल तक जॉब करना होगा, उसके आगे आप वहाँ पे जॉब करते रहोगे, ये आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, बाकी AICLS अथॉरिटी पे डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 3 साल तक जॉब करनी होगी। अगर आप 3 साल से पहले छोड़ोगे तो आपको कोई ना कोई फाइन जो बॉन्ड में लिखा गया वो फेल वो आपको पे करना पड़ेगा, जो कि अभी अमाउंट आपको मैंने पहले ही बताया इसी वीडियो में। तो आप लोग यहाँ से देख लो कि आपको कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है, आपको सारी डिटेल्स मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। बाकी जो भी एस्पिरेंट्स मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, आपको एयरपोर्ट जॉब या AICLS की तरफ से जो भी वैकेंसी आती है या AI जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर, ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। बाकी और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की डिटेल्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, जैसे कि मैंने भी खुद भी बहुत सारे एग्जाम्स दिए और बहुत सारे क्वालिफाई भी किए हैं। तो अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी या कोई भी अपडेट चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, मैं कोशिश करती हूँ कि आप सभी को यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं और इसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।